इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड ये वर्ल्ड में क्लास 8th 9th 10th लेवल पे होने वाला सबसे टफेस्ट जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है, और इसमें रेजोनेंस की एक एक्सपर्टीज है, और रेजोनेंस इस ओलंपियाड में पायनियर है जिसने सबसे पहले कोटा में इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल दिया था। ये एग्जाम जो होता है ये क्लास 8th 9th 10th वाले बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं, और कुछ एज क्राइटेरिया होता है जिसके वजह से बच्चे एग्जाम देते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है। अब इस एग्जाम में जो बच्चे इसमें क्लास 8th में पढ़ रहे हैं उनके लिए एडवांस एक आईजीएसए बैच इसमें रेजोनेंस लेके आया है, तो क्योंकि ये एग्जाम का जो सिलेबस होता है इसमें साइंस जिस लेवल में पूछी जाती है 9th 10th 11th का भी काफी सारा कंटेंट इसमें कवर होता है, तो एक साल में बच्चे के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस आईजीएसए बैच के लिए हम एडवांस तैयारी शुरू करें। तो जो बच्चे स्पेशली जो साइंस में आगे जाना चाहते हैं या जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड को दे सकते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है, और हर एक एग्जाम के साथ आपको एक एकेडमिक वैल्यू मिलती है, एक प्रोफाइल आपकी बिल्डअप होती है। तो इसके लिए एक एडवांस बैच 18 जनवरी से शुरू हो रहा है, उसके लिए एक सिलेक्शन टेस्ट भी है। तो अगर आपका बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है और उसका साइंस और मैथ्स के प्रति एक बहुत अच्छा इंक्लिनेशन है तो इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन हो सकता है। इसकी जल्दी शुरू करने का रीजन क्या है कि बिकॉज इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, अगर हम इसको अप्रैल में 9th में शुरू करते हैं तो हम नवंबर तक, जब जनरली ये टेंटेटिव एग्जाम होता है, तो हम इसका सिलेबस कवर नहीं कर पाते, इसलिए इस एग्जाम को तैयारी को हम एडवांस कर रहे हैं। तो जो बच्चे 8th का ऑलरेडी सिलेबस काफ़ी हद तक कर चुके हैं वो अभी से अपनी आईजीएसए की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद 18 जनवरी से आईजीएसए का एडवांस बैच शुरू होगा। तो अगर आपका बच्चा क्लास 8th में, तो मुझे लगता है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।